फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सोभनपुर के समीप रोड पर दौड़ रही एक बोलेरो कार का पीछा कर रहे बाइक सवारों की अंधाधुंध फायरिंग से एक ग्रामीण को गोली लग गई। आनन फानन में परिजन घायल को शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सोभनपुर गाँव की है, जहां गाँव से गुजरने वाली सड़क पर तेज गति से एक बोलेरो कार जा रही थी। इस कार का पीछा कर रहे बाइक सवार दो युवक फायरिंग कर रहे थे। वे किसी तरह बुलेरो को रोकना चाहते थे। बाइक सवारों की इस अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में गांव के बाहर खड़ा एक ग्रामीण आ गया, जिससे गोली उसके सीने को चीरती हुए निकल गई। गोली लगते ही तमाम ग्रामीण मौके पर आ गए और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उनकी जमकर पिटाई की। उसके बाद उन्हें खाली पड़ी एक दुकान में बंद कर दिया। काफी देर बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने भेजा। राजेश कुमार जी, क्या घटना हुई है? अरे, ये एक बोलेरो गाड़ी पीछे से चली आ रही और एक मोटरसाइकिल बाइक को रेदती हुई, और हम लोग खेतों में काम कर रहे थे और उसने जैसे भारक दिया है मोटरसाइकिल वालों में और उसमें गोली लगी, ये मौत हुई है। और क्या है पूरा थाना सिकोहाबाद में? एक सोभनपुर गाँव है, वहाँ पे एक मर्डर की घटना हुई है। एक अवनीश यादव नामक व्यक्ति की हत्या हुई है, गोली लगी उसको। छानबीन पे पाया गया कि वहाँ पे दो पक्ष लड़ाई कर रहे थे और उसमें अवनीश बीच में आ गया, तो बदमाशों ने उसमें अवनीश को ही गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उसमें से जो अभियुक्त थे, गांव वालों ने उनको दो को पकड़ लिया, घरों में बंद कर दिया। इसके बाद गांव वाले उसमें काफ़ी आक्रोशित थे, उन मुलजिमों को पुलिस को नहीं ले जाने दे रहे थे। फिर उनको किसी तरह समझा बुझा के मुलजिम को पुलिस ने कब्जे में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरा घटनाक्रम समझा जा रहा है और इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या ये लोग पहले से भी अपराध के रिकॉर्ड रहे लोगों के? अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में पता लगा कि मैं पहले भी इन दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर आज फिर झगड़े के फिराक में थे और उसी दौरान उस जो मृतक है उसके बीच में आ जाने से ये घटना हुई है। और इसमें जो भी अभियुक्त हैं सभी को आइडेंटिफाई करके कड़ी कार्रवाई।